एक होता है इंटीग्रेशन करना और एक होता है डिफरेंशिएट करना। इंटीग्रेशन का मतलब होता है समेशन, कैलकुलस में इंटीग्रेशन का मतलब होता है समेशन, और डिफरेंशिएशन का मतलब होता है स्प्लिट करना, तोड़ना, ठीक है। और इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, समेशन। अगर हम लोग सम कर रहे हैं तो सम को हम लोग बोलेंगे इंटीग्रेशन कैलकुलस में। अगर हम लोग ब्रेक कर रहे हैं तो ब्रेक करने, अगर हम लोग ब्रेक कर रहे हैं, स्प्लिट कर रहे हैं, तो उस चीज को हम लोग बोलेंगे डिफरेंशिएशन। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, ये हम लोग के पास एक कोई ऐसा टाइप का कोई स्ट्रक्चर है ना, रॉड टाइप का या कुछ इस तरीके का, और इसका लेंथ को हम लोग क्या मान लिए, एल मान लिए। इसके लेंथ को हम लोग सपोज, इसके लेंथ को हम लोग मान लिए कि लेंथ कितना है, एल है, ठीक है। इसका लेंथ को हम लोग ले लिए एल। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो पूरा बड़ा सा एक स्ट्रक्चर है टोटल लेंथ का, ये छोटे छोटे एलिमेंट्री पार्ट से मिलकर बना हुआ है। मतलब अगर इसके एक पार्ट को ब्रेक करेंगे हम लोग, तो वो हम लोग एलिमेंट्री पार्ट देगा जिसका लेंथ हो जाएगा डी एल। मतलब बेसिकली हम लोग डिफरेंशिएट किए, तोड़े हैं, ठीक है, छोटे पार्ट्स में। तो छोटे पार्ट में अगर ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक एक का जो लेंथ है वो डीएल 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 टाइप इस तरह का हो जाएगा, है ना, डीएल डीएल करके, इसमें एलिमेंट्री पार्ट से। तो अगर हम लोग ऐसा बोले कि इसी डीएल को हम लोग जोड़ते रहेंगे, सारे एलिमेंट्री पार्ट को हम लोग ऐड करते जा रहे हैं इस तरह एंड सो ऑन, तो ये जो समेशन ऑफ डीएल आएगा, ये पूरा चीज हम लोग क्या देगा, लेंथ दे देगा। ये पूरा चीज क्या दे देगा हम लोग को, लेंथ ऑफ द रॉड। तो ये देगा हम लोग को लेंथ ऑफ द रॉड, है ना, पूरे रॉड का लेंथ दे दिया। तो इसका मतलब क्या पता चला, एक्चुअली हम लोग सम कर रहे हैं। किसको सम कर रहे हैं, एलिमेंट्री पार्ट्स को सम कर रहे हैं। तो यही काम कैलकुलस में इंटीग्रेशन करता है। इंटीग्रेशन में क्या हम लोग करते हैं कि किसी भी एलिमेंट्री पार्ट को अगर हम लोग इंटीग्रेट करें, तो हम लोग को पूरा उसका जो रिजल्ट है, रिजल्ट या वैल्यू हम लोग को मिलेगा। तो एक तरह का हम लोग समेशन कर रहे हैं, इसलिए साइन भी देखना समेशन टाइप का रहता है, एस टाइप का, ठीक है। तो आप देखो इसको कैसे डिफाइन करते हैं फंक्शन से। देखो जैसे मान लो कि y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है, y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है, तो हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे अगर, तो क्या लिखेंगे, dy by dx। तो dy by dx क्या हो जाएगा, f dash x, ये डिफरेंशिएट किए, ठीक है, dy by dx हो जाएगा f dash x। तो यहां से dy क्या हो जाएगा, dy हो जाएगा f dash x dx, dy हो जाएगा f dash x dx, ठीक है। तो ये dy हो गया, तो dy मतलब एलिमेंट्री। अगर हम लोग y चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करेगा करना पड़ेगा बोथ द साइड। क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dy इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ fx dx, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ dy इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ fx dx। तो इसी चीज को हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन। इस तरह सॉल्व करते हैं तो जो भी रिजल्ट आएगा वो हम लोग क्या देगा, y देगा। यहाँ पे जो भी रिजल्ट आएगा वो पूरा हम लोग को y मिल जाएगा। तो y इज द इंटीग्रेशन ऑफ fx dx। तो एक बात यहाँ पे ध्यान दो, जस्ट हम लोग डिफरेंशिएशन के एक रेसिप्रोकल प्रोसेस कर रहे हैं, हम लोग जस्ट डिफरेंशिएशन के एक रेसिप्रोकल प्रोसेस कर रहे हैं। तो कुछ स्टैंडर्ड एलिमेंट्री इंटीग्रेशन होता है जिसको हम लोग को याद रखना है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, स्टैंडर्ड एलिमेंट्री इंटीग्रल्स, ठीक। पहला रिजल्ट याद रखना, फर्स्ट होता है अल्जेब्रिक फंक्शन के लिए, तो हम लोग हमेशा x टू द पावर n dx का जो वैल्यू होता है वो कितना होगा, वो होगा x टू द पावर n प्लस वन बाय n प्लस वन, यस, बाय n प्लस वन प्लस c। कांस्टेंट हम लोग अपने से यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, उसका वैल्यू निकालने का जरूरत नहीं है, बस लिखते हैं कांस्टेंट। ऐसा हम लोग कब करेंगे, हम लोग करेंगे इस तरह के इंटीग्रेशन में, इसमें लिमिट नहीं होता है।
है ना, हम लोग जब लिमिट लगाएंगे तो हम लोग को उस समय कॉन्स्टेंट पुट नहीं करना है, वो भी बताएंगे लिमिट वाले। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन होगा, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन होगा, यस। तो यहाँ पे एन इज नॉट इक्वल टू माइनस वन, तो याद रखना एन का वैल्यू जो होगा वो माइनस वन नहीं होगा, क्योंकि माइनस वन होने से क्या हो जाएगा, माइनस वन होने से भी डिफाइंड नहीं होगा। अच्छा लाइट चला गया है, ठीक है, तो अगर बीच में बंद हो जाएगा तुम लोग थोड़ा वेट करना, ठीक है, क्योंकि लाइट आ जाएगा। ये हम लोग यहाँ बहुत ज्यादा पावर ब्रेक डाउन हो रहा है, कल से ऐसे ही है, थोड़ा मौसम खराब है ना, तो और शायद बंद हो जाए बीच में, तो इसलिए हम बता दिए, मैसेज भी नहीं कर पाएंगे, पूरा डिवाइस बंद हो जाएगा, मोबाइल से कनेक्टेड है, तो अगर बंद हो गया तो वेट करना, फिर से हम एक बार टेलीग्राम में मैसेज कर देंगे, ज्वाइन कर लेना। अगर 10-15 मिनट भी लाइट नहीं आया तो शायद बंद हो जाएगा, ठीक है। ये है एलजेब्रिक रूल, पहला एलजेब्रिक रूल। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा अगर हम लोग डी टू डी एक्स का इंटीग्रेशन करें, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स करे तो हम लोग को एक्स मिल जाएगा, एलिमेंट्री के इंटीग्रेशन के लिए हम लोग एक्स मिल जाएगा। तीसरा 1/x dx का इंटीग्रेशन क्या मिल जाएगा, लॉग एक्स, ठीक है, लॉग एक्स मिल जाएगा। चौथा याद रखना, अगर हम लोग कॉस एक्स का लिखे तो कॉस एक्स का हो जाएगा साइन एक्स, ठीक, और अगर हम लोग साइन एक्स को इंटीग्रेट करें तो इसका होगा माइनस कॉस एक्स, ठीक है, माइनस कॉस एक्स, माइनस कॉस एक्स। इसके बाद एक रिजल्ट आएगा, इसके बाद एक रिजल्ट आता है 6 नंबर में, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx, sec स्क्वायर x dx का हो जाएगा tan x, ठीक है, tan x। अगर हम लोग बात करें इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x dx तो इसका हो जाएगा माइनस कॉट एक्स। तो ये सब वैल्यू को याद रखना है, सो लिखते रहो। 8 नंबर में याद रखना इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू टैन एक्स का होता है, ठीक है, इसका हो जाएगा सेक एक्स, ठीक, सेक एक्स। अच्छा इसके बाद 9th इंटीग्रेशन ऑफ cosec x इंटू cot x bx, इसका हो जाएगा माइनस cosec x, माइनस cosec x। फिर 10th नंबर में इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx, इसका ex होगा, ठीक, ठीक है ना, आवाज आया ना, अभी तक बंद नहीं हुआ है, ठीक है। तो आगे देखो, अच्छा ये कुछ स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है जिसका यूज आता है, लेकिन थोड़ा हाई लेवल के प्रॉब्लम में, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर करें हम लोग, रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो इसका साइन टू द पावर माइनस 1 एक्स प्लस सी, हाँ इसको साइन इनवर्स बोलते हैं, साइन टू द पावर माइनस 1 नहीं, इसको हम लोग पढ़ेंगे साइन इनवर्स एक्स, ये एक साइन इनवर्स फंक्शन है, ठीक है। जैसे साइन थीटा अगर हो गया 1 तो थीटा इक्वल टू का साइन इनवर्स 1, तो साइन इनवर्स इज द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सिमिलरली 12 नंबर में क्या बोलेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये हो जाएगा यस टैन इनवर्स एक्स, ठीक। लास्ट एक क्वेश्चन है, मतलब लास्ट एक फॉर्मूला, इसको याद रखना, ठीक है। लास्ट फॉर्मूला क्या है, 1 बाई
एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन डीएक्स, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा सेकंड वर्स मॉड्यूलस एक्स प्लस सी. हाँ सेकंड वर्स एक्स प्लस सी सब में लिख सकते हैं. ठीक है प्लस सी सब में लिख सकते हैं. तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूला है जिसका इंटीग्रेशन लोग को काम आएगा. तो नॉर्मल इंटीग्रेशन तो हम लोग नॉर्मल तरीके से सॉल्व कर लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ कुछ इंटीग्रेशन आएगा जिसमें हम लोग कुछ स्पेशल मेथड का यूज करना पड़ेगा. तो हम लोग देखते हैं कि करके प्रॉब्लम्स. अभी तक लाइट नहीं आया लेकिन सर आप tan x dx का बताए थे इंटीग्रेशन. हाँ यहाँ पे बताएं tan x किसका tan x का नहीं होता है. sec स्क्वायर x dx का tan x आएगा. ठीक है sec x tan x का कर सकते हैं. tan x का इंटीग्रेशन को करने के लिए हम लोग को अलग तरीका, मतलब tan x का डायरेक्ट नहीं हो सकता. tan x का कोई फॉर्मूला नहीं है, मतलब कोई स्पेसिफिक रूल नहीं tan x को करने के लिए. tan x into sec x का कर सकते हैं. देखो ये कुछ क्वेश्चन है. पहला जैसे x स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सेवन डी एक्स, तो ये तो बहुत सिंपल हो गया. बताओ कितना रिजल्ट आएगा इसके लिए. ऐसे एक एक करके ब्रेक करके करते हैं. एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फाइव एक्स डी एक्स प्लस सेवन डी एक्स. ठीक तो कितना हो जाएगा बोलो. एक्स स्क्वायर डी एक्स का क्या होगा एक्स क्यूब बाई थ्री माइनस फाइव. एक्स डी एक्स का कितना होगा एक्स स्क्वायर बाई टू, और सेवन बाहर निकल गया कॉन्स्टेंट है और डी एक्स के लिए क्या एक्स. ये आंसर हो जाएगा. ये तो बहुत सिंपल हो गया. चलो एक डिफिकल्ट करते हैं. डिफिकल्ट मतलब इसको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा करने के लिए. देखो क्या क्वेश्चन है. जैसे इस तरह एक सवाल दे दिया, इसको बना पाओगे. देखो तो जैसे बोला है साइन क्यूब एक्स ठीक प्लस कॉस क्यूब एक्स. टैन एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है ठीक है, क्योंकि टैन एक्स का डिफरेंशिएशन अगर करेंगे तो हम लोग सेक स्क्वायर एक्स आएगा. तो इसीलिए सेक स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करने से टैन एक्स आएगा. उल्टा होता है इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन का जस्ट रेसिप्रोकल. सॉरी ये हो जाएगा साइन एक्स. तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस डॉट कॉस स्क्वायर एक्स ठीक है डीएक्स. इसको बनाओ तो जल्दी से बोलो कितना आएगा. ट्राई करो. कैसे करोगे ब्रेक कर लो. ब्रेक करने से बहुत सिंपल बन जाएगा. साइन क्यूब एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स लिख दो प्लस कॉस क्यूब एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स लिख दो. ठीक है अलग अलग इंटीग्रेट करो तो देखो आ जाएगा. शायद बंद हो जाएगा एक दो मिनट में. ठीक थोड़ा वेट करना, लाइट आने से हम भेज देंगे. बहुत दिक्कत हो रहा है, कल से चार्ज ही नहीं हो पा रहा है. ये टैब बहुत मुश्किल से चार्ज किया था 16%. मोबाइल चार्ज नहीं हो पाया है. पंद्रह मिनट से चल गया है, आगे नहीं रह पाओ. कैसे बनेगा बोलो. बना कैसे लिख सकते हैं इसको. साइन क्यूब एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स ठीक प्लस क्या लिख सकते हैं कॉस क्यूब एक्स बाई क्या साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स. ठीक है तो यहां से क्या हो जाएगा. यहां से हो जाएगा साइन. देखो एक साइन स्क्वायर एक्स से ये पूरा साइन स्क्वायर एक्स चला गया. यहाँ पे सिर्फ साइन एक्स बचेगा. यहाँ पे पूरा कॉस स्क्वायर एक्स चला गया. यहाँ पे सिर्फ कॉस एक्स बचेगा. ये पूरा चला गया टर्म. ठीक है तो क्या क्या बचा अपने पास. साइन एक्स और कॉस एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स को. कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स
तो साइन एक्स बाई कॉस एक्स और वन बाई कॉस एक्स बच गया। बोलो क्लियर है, बोलो हाँ ना सर। इसको वैसे भी तो कर सकते थे कि अगर ये जो पूरा ऊपर वाला है अगर उसको सॉल्व कर दे तो, उसको पूरा सॉल्व कर देने से सर जैसे साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स को तोड़ दें और फिर जो कट रहा है कट जाए, उतना क्यों करेंगे, वो तो यार डिफिकल्ट हो जाएगा ना। ये बहुत सिंपल हो गया, देखो डायरेक्ट इससे डायरेक्ट बन गया। उतना करने जाएंगे ना फिर वो कैंसिल आउट करने में बहुत प्रॉब्लम होगा, ब्रेक करने में दिक्कत हो जाएगा, इससे इजीली बन जाएगा। क्योंकि देखो कॉस एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस ऊपर सिर्फ कॉस एक्स बचा। चलो लाइट आ गया, शायद नहीं बंद होगा। हाँ ठीक है, तो इसको कॉस एक्स और साइन एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स इंटू वन बाई साइन एक्स डी एक्स, ठीक ऐसा लिख सकते हैं। तो अब क्या देखो यहां से साइन एक्स बाई कॉस एक्स क्या हो जाएगा, साइन एक्स बाई कॉस एक्स टैन एक्स हो जाएगा, है ना। और वन बाई कॉस एक्स होता है क्या, सेक एक्स, सेक एक्स, ठीक। तो देखो एक तो स्टैंडर्ड रिजल्ट मिल गया, और यहाँ पे कॉस एक्स बाई कॉट एक्स हो जाएगा और हो जाएगा कोसेक एक्स, कोसेक एक्स, कोसेक एक्स डी एक्स, ठीक। तो इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो हम लोग को डायरेक्ट रिजल्ट एक मिल गया, टैन एक्स इंटू सेक एक्स का होता है सेक एक्स, और कॉट एक्स इंटू कोसेक एक्स का होता है माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। सो दिस इज आवर आंसर, ठीक। चलो तुम लोग एक क्वेश्चन देते हैं इसके बाद सॉल्व करने के लिए। ये वाला ट्राई करो, वन प्लस एक्स क्यूब डी एक्स बाय रूट एक्स, इसको बनाओ। इसको बनाओ तो वन प्लस एक्स का पावर क्यूब डी एक्स बाई रूट एक्स, ठीक है। पूरा वन प्लस एक्स का पावर क्यूब को ब्रेक करना पड़ेगा, एक साथ तो नहीं कर सकते हैं, पूरे पावर फंक्शन का है। इसको ट्राई करो, ठीक है। इस क्वेश्चन को बनाओ, क्या करोगे, वन प्लस एक्स का जो होल क्यूब है उसको ब्रेक कर लेना पहले, वन प्लस थ्री एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब ए प्लस बी होल क्यूब के फॉर्मूले में क्या है, डिनोमेटर में क्या है, यहाँ पे रूट एक्स है, तो रूट एक्स को हम लोग अगर ऊपर लेके आएंगे तो एक्स टू द पावर माइनस हाफ डी एक्स हो जाएगा। फिर सॉल्व करना, सॉल्व करके इसको देखो इंटीग्रेट करो फिर कितना आएगा बताओ। चलो जल्दी बनाओ इस क्वेश्चन को, बन गया, बना है कि नहीं बोलो। देखो ये बना है, तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे हम लोग यहाँ पे, जैसे हम लोग लिख सकते हैं इसको वन प्लस एक्स के होल क्यूब को वन प्लस थ्री एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब ए प्लस बी के होल क्यूब में, क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर। और रूट एक्स को अगर हम लोग ऊपर लेके जाएंगे तो क्या लिख सकते हैं, एक्स टू द पावर माइनस हाफ और डी एक्स, ठीक। तो ये सब एक्स जो ये वाला जो चीज है एक्स टू द पावर माइनस हाफ,
इसको सारे टर्म से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सॉल्व करना होगा. तो अगर सॉल्व करेंगे तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा, एक्स टू द पावर माइनस हाफ है ना, प्लस थ्री एक्स इंटू एक्स टू द पावर माइनस हाफ प्लस, अभी डीएक्स नहीं किए ठीक, फिर थ्री एक्स स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर माइनस हाफ ठीक है, उसके बाद एक्स क्यूब इंटू एक्स टू द पावर माइनस हाफ ऐसा लिख सकते हैं, इंटू डीएक्स है. अब इसको हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं, अब हम लोग इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं. तो इंटीग्रेट करें कितना रिजल्ट आएगा, तो ये आ जाएगा x माइनस हाफ dx प्लस थ्री बाहर निकल गया ठीक है, तो x टू पर माइनस हाफ प्लस वन यानी x टू पर हाफ बचेगा, तो डायरेक्ट लिख दे x टू पर हाफ dx, फिर यहाँ पे थ्री बाहर निकल गया तो कितना होगा x2 माइनस हाफ यानी कि x टू पर थ्री बाई टू, थ्री बाई टू dx प्लस कितना, प्लस यहाँ पे हो जाएगा x टू पर फाइव बाई टू, थ्री माइनस हाफ मतलब x टू पर फाइव बाई टू dx. तो इस पूरे चीज को सॉल्व करना होगा ठीक है, तो इसको सॉल्व करने से कितना आ गया, x टू पर माइनस हाफ प्लस वन मतलब x टू पर हाफ ही बचेगा और नीचे वन बाई टू, यानी कि इसको लिख सकते हम लोग टू या ऐसे लिखो डायरेक्ट, कितना बच जाएगा देखो, ये हो जाएगा x टू द पावर वन बाई टू बाई वन बाई टू ठीक है, ये कितना होगा थ्री, x टू द पावर कितना वन बाई टू प्लस वन यानी कि थ्री बाई टू बाई थ्री बाई टू ठीक, फिर कितना होगा, फिर होगा थ्री एक्स टू द पावर फाइव बाई टू ठीक है, एक्स टू पर थ्री बाई टू प्लस वन यानी कि एक्स टू पर फाइव बाई टू बाई फाइव बाई टू, एक्स टू पर फाइव बाई टू थ्री प्लस एक्स टू पर फाइव बाई टू बाई फाइव बाई टू, फिर क्या हो जाएगा एक्स टू पावर सेवन बाई टू बाई सेवन बाई टू प्लस सी, इसी को फाइनली सॉल्व करके लिख सकते हैं अरेंज करके. बोलो क्लियर है, समझ में आ रहा ना, बोलो आया कि नहीं, ये थ्री थ्री कट जाएगा, टू एक्स टू पावर थ्री बाई टू यहां से, फिर ये हो जाएगा कितना सिक्स बाई फाइव प्लस सिक्स बाई फाइव, ये मल्टीप्लाई अगर टू से तो सिक्स बाई फाइव एक्स टू पावर फाइव बाई टू, ये हो जाएगा टू बाई सेवन एक्स टू पावर सेवन बाई टू, टू पर चला गया प्लस सी, सो दिस इज आवर आंसर. तो ये कुछ हुआ नॉर्मल इंटीग्रेशन. तो अब अगर हम लोग को थोड़ा डिफिकल्ट वाला इंटीग्रेशन सॉल्व करना है तो उसके लिए हम लोग को कुछ मेथड पढ़ना पड़ता है, जैसे उसमें पहला मेथड है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन. तो चलो हम लोग दो मेथड है उस मेथड को हम लोग अभी यहाँ पे देखते हैं ठीक है. तो फर्स्ट मेथड क्या है, मेथड ऑफ पहला ट्रांसफॉर्मेशन है. ये कुछ अलग तरीके का इंटीग्रेशन है, मतलब इंटीग्रेशन नॉर्मल ही है, हम लोग सॉल्व करने के कुछ मेथड का यूज करते हैं. तो पहला जो मेथड है फर्स्ट मेथड, उसको हम लोग बोलते हैं मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन. और दूसरा जो मेथड, उसको बोलते हैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन. तो मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में इसका एग्जांपल हम लेते हैं, सपोज मान लो हम लोग को सॉल्व करना है इस तरह कुछ प्रॉब्लम, साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स. तो इसको हम लोग सिंपल सॉल्व नहीं कर पाएंगे इंटीग्रेशन से, किसको हम लोग साइन एक्स डीएक्स का कॉस एक्स लिख दें, क्योंकि साइन का स्क्वायर है यहाँ पे है ना, ये अलग टाइप का फंक्शन है, स्क्वायर फंक्शन है, इसको साइन एक्स इंटू साइन एक्स डीएक्स करके भी नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि हम लोग सिर्फ साइन एक्स डीएक्स का जानते हैं, साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स का नहीं जानते हैं. इसके लिए हम लोग को एक ट्रांसफॉर्मेशन मेथड लगाना पड़ेगा. देखो इस तरह के इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करते हैं, ये सॉल्व करने से प्रैक्टिस हो जाएगा. तो हम लोग जानते हैं कि एक फॉर्मूला बताए थे पहले भी, कॉस टू एक्स का फॉर्मूला होता है क्या, वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स,
है ना, ये फॉर्मूला होता है cos 2a का। देखो cos 2a का कैसे निकालते हैं हम लोग, नहीं पता हम बता देते हैं यहाँ साइड में। जैसे cos 2a का होता है ना 2 cos से sin, cos 2a का होता है सॉरी cos square a माइनस sin square a, ये होता है cos 2a का, या फिर cos square x माइनस sin square x, है ना, ये होता है cos 2x, 2x का या 2a का। तो इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे, cos 2x को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, जैसे cos को लिख दिया हम लोग क्या 1 माइनस sin square theta, क्योंकि sin square theta plus cos square theta 1, और माइनस sin square x ऐसा लिख सकते हैं, है ना। तो देखो यहां से क्या आ गया, यहां से हम लोग के पास cos 2x का फॉर्मूला आ गया, कितना आया, ये आ गया 1 माइनस 2 sin square x, ठीक है, ये आ गया। तो इसीलिए हम लोग अगर sin square x का लिखना चाहे, sin square x equal to, तो कितना हो जाएगा, यहां से हो जाएगा 1 माइनस cos 2x by 2, यहां से हो जाएगा। तो हम लोग इसी का जगह इंटीग्रेशन में क्या पुट कर दिए, sin x square को हम लोग रख दिए 1 माइनस cos 2x by 2, और यहां पे dx, ठीक है। तो अब इसको एक एक करके लिखेंगे, जैसे यहां पे हम लोग 1 बाई 2 को बाहर निकाल लिए इंटीग्रेशन से, क्या बच जा रहा है, 1 माइनस cos 2x dx, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 1 बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ dx, ठीक है, माइनस 1 बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx, बोलो यहां तक क्लियर है ना, ऐसा कर दिया, ठीक। तो ये बताओ क्या cos 2x dx को हम डायरेक्ट सॉल्व कर पाएंगे, क्या cos 2x dx को हम डायरेक्ट इंटीग्रेट कर पाएंगे, बताओ, बोलो, इस चीज को हम डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं, हाँ या ना? नो सर, नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे cos x dx नहीं है, cos 2x dx है, तो एक फंक्शन बदल गया। तो इसी चीज के लिए हम लोग को ट्रांसफॉर्मेशन मेथड लगाना पड़ेगा। तो देखो कैसे लगाते हैं, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ध्यान दो, हम लोग को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, लेट 2x को हम लोग u मान लिए, ठीक, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिए बोथ द साइड, dx by dx इक्वल टू du by dx, तो dx by dx तो 1 होता है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या किए, यहाँ पे हम लोग 2 इक्वल टू मिल गया हम लोग को du by dx, ठीक है, तो dx इक्वल टू क्या मिल गया, 1 by 2 du, ठीक है, dx इक्वल टू मिल गया 1 by 2 du। तो देखो इस dx के जगह हम लोग ये पुट कर सकते हैं 1 by 2 du, और x के जगह हम लोग u पुट कर सकते हैं। तो ये वाला जो इंटीग्रेशन है ये कैसा बन गया, इसका तो चलो 1 by x हो गया, ठीक है, इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो इसको हम लोग cos 2x का क्या लिख दिए, cos u लिख दिए, cos 2x का 2x का क्या पुट किए, u पुट किए, और dx का जो कितना आ गया 1 by 2 u, 1 by 2 du आ गया, बस वैल्यू को रख दिए, 2x की जगह u, dx dx की जगह हाफ du, तो हाफ भी तो कांस्टेंट है, बाहर निकल गया, यहाँ 1 by 4 आ गया, ठीक। तो अब देखो ये नॉर्मल फॉर्म में आ गया cos u du, मतलब जैसे cos x dx होता उसी तरह, तो सिंपली क्या हो जाएगा cos x dx का sin x, है ना, sin x हो जाएगा, तो बस लिख दो इसको sin u, सॉल्व हो गया। तो क्या लिखेंगे, 1 by 2x माइनस 1 बाई 4 और cos u du का हो जाएगा sin u, ठीक है, sin u, तो यहां से 1 बाई 2x माइनस, अब sin u का रख दिया हम लोग कितना, ये 4 हो गया, 4 sin, और x के जगह u के क्या रख दिया, 2x रख दिया, तो दिस इज आवर आंसर, ठीक है, दिस इज आवर आंसर, ये अपना आंसर है। तो इस तरह लोग सॉल्व करेंगे। चलो तुम लोग एक क्वेश्चन देते सॉल्व करने के लिए, ठीक है, तुम लोग बनाओ खुद से,
देखो ट्राई करो, ट्राई करो cos square x dx का। जो फॉर्मूला था ऊपर में, हाँ सर वो cos 2a वाला, हाँ हाँ सर वो कैसे आया? वो ट्रिग्नोमेट्री से आता है, ट्रिग्नोमेट्री का रिजल्ट है। cos 2a वाला फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का रिजल्ट है। ये आता कैसे बताते हैं, देखो जैसे cos, इसको हम अलग कलर से बता देते हैं, ठीक है, अब ये बगल में बता देते हैं। जैसे हम लोग cos a प्लस बी का फॉर्मूला पता है तुमको, cos a प्लस बी का बोलो तो, ये फॉर्मूला पता है? यस सर पता है लेकिन याद नहीं है। इसका होता है cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी, वेरी गुड, ठीक है साइन ए साइन बी। तो देखो इसी को cos 2a लिखना चाहते हैं, तो cos 2a के लिए क्या करना पड़ेगा, cos a plus a, तो जहां b है वहां भी a पुट कर दो, तो अब क्या हो जाएगा, ये cos square a minus sin square a, है ना, दोनों की जगह a पुट कर दिए, यही तो cos 2a का आ गया। अब यहां से अगर हम लोग को इस cos इसको आगे ब्रेक करना है, तो हम लोग इस cos square a को क्या लिख सकते हैं, 1 minus sin square a माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो ये cos 2 का वैल्यू क्या आ गया, तो cos 2 का वैल्यू यहां से आ गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, ठीक, इधर ये आ सकता है। नहीं तो फिर अगर हम लोग ऐसा लिखे cos 2 a cos स्क्वायर ए को ब्रेक नहीं करके साइन स्क्वायर ए को ब्रेक करें, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग 1 cos स्क्वायर ए और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। तो और एक रिजल्ट क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस प्लस हो गया, मतलब 1 माइनस 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर ए, ये भी रिजल्ट होता है cos 2a का। तो जहां जो रिक्वायरमेंट होगा हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक, आइदर 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1, सॉरी आइदर हो जाएगा कितना, ये थोड़ा गड़बड़ लिख दिए, आइदर हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, नहीं तो 2 cos square a minus 1, 2 cos square a minus 1 में तो minus बच जा रहा है, minus 1, तो this is a two useful formula, एक ये और एक ये, तो दोनों को याद रखना, जहां जरूरत पड़ेगा यूज करना, ज्यादातर जरूरत पड़ेगा इंटीग्रेशन में, ठीक है ट्रिग्नोमेट्री में। चलो ये तुम लोगों को बनाना है, बताओ कितना आंसर आएगा, सॉल्व करो सभी लोग, ये अभी सॉल्व करना है, और एक क्वेश्चन देते हैं, एक ये भी सॉल्व कर लो। अच्छा पहले इसको करो फिर एक दूसरा दे रहे हैं। सर इसमें सर चेन रूल नहीं लगता है? इसमें चेन रूल नहीं लगता है, चेन रूल बस डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में कोई भी चेन रूल यूज नहीं होता है, मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, बस चेन रूल इज ओनली यूज फॉर डिफरेंशिएशन। बट आप कुछ फॉर्मूला यूज रखना ट्रिग्नोमेट्री का, बिकॉज उसके बिना बनेगा नहीं फिर। चलो cos square इसको इंटीग्रेट करो जल्दी, इसको करो फिर हम सब्स्टिट्यूशन बताते हैं, ठीक है, फिर डेफिनेट भी बता देंगे, आज खत्म हो जाएगा आज पूरा, डेफिनेट भी बता देंगे। यह इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, और जिसमें लिमिट लग तो उसको बोलते हैं डेफिनिट इंटीग्रेशन। cos square x को कैसे ब्रेक करोगे, देखो इस फॉर्मूला से ब्रेक कर सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं cos square a cos 2a cos 2a minus sin square a, नहीं कैसे होगा, cos 2a को हम लोग 2 cos square a minus 1 लिख सकते हैं, ठीक, तो यहाँ पे cos square a चाहिए, तो लिख सकते हैं ना उसको cos 2a plus 1 by 2, उससे तो हो जाएगा तुरंत। साइन स्क्वायर का टर्म करेंगे तो कैसे फिर कॉस स्क्वायर लिख पाएंगे उसको, सेकेंड वाला इक्वेशन लगा सकते हैं, ये वाला चीज इसको यूज कर सकते हैं, इसको नहीं, इसको तो पहला क्वेश्चन है किए थे, इसको कर सकते हैं। बताओ कितना आंसर होगा, सॉल्व करो जल्दी, नहीं हुआ अभी तक, इतना टाइम कैसे लग रहा है, सिंपल तो है।
बोलना आंसर आंसर, ठीक आंसर आंसर बोलना। अगेन सर नहीं बन रहा है क्या, बोलो समझ में नहीं आ रहा है। किसी का नहीं बना अंशुल? अंशुल बना है? नहीं बना किसी का। कितना सिंपल कर देखो क्या करना है इसमें। सर एक बार आप ऊपर कर सकते हैं जिसमें आप वो बोले थे कि किसी को एक को यू लेना होगा। अच्छा देखो यहाँ पे लिए हैं। ठीक है चलो हम बता देते हैं और एक बार, ठीक शायद क्लियर नहीं हुआ होगा। देखो ध्यान से बहुत ही सिंपल है। जैसे इसके बाद कुछ क्वेश्चन ऐसे दे सकते हैं कि कॉट स्क्वायर एक्स का निकालो इंटीग्रेशन, या साइन टू द पावर 4x का निकालो। सभी जल्दी बनना चाहिए, ओरली बन जाना चाहिए, क्योंकि हम लोग मानते हैं यहाँ पे u इक्वल टू 2x उतना मानेंगे नहीं, जल्दी जल्दी डायरेक्ट हो जाएगा वो, प्रैक्टिस से हो जाता है। तो देखो अब यहाँ पे क्या करेंगे, cos square x dx है तो हम लोग cos square x के जगह लिख सकते हैं क्या, देखो यहाँ से इसी फॉर्मूला यूज करते हैं cos 2x, ठीक cos 2x plus 1 by 2। देखो ध्यान से हम लोग cos square x dx के इस चीज को लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 by 2 को बाहर निकाल दिए तो क्या बच जाएगा, यहां बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x plus 1 dx, बस बन तो गया और क्या करना है। तो एक बार क्या आ जाएगा, हाफ cos x cos 2x dx, और एक बार आ जाएगा 1 मतलब ओनली dx, ठीक है। तो इसको नहीं कर पाएंगे क्योंकि यह 2 है। तो मान लेते हैं लेट u इक्वल टू 2x, ठीक है, तो du बाई dx इक्वल टू 2, हर बार ऐसे ही टाइप का आएगा। तो यहां से वी कैन राइट dx इक्वल टू हाफ du, बस आ तो गया आंसर, ठीक आंसर आ गया। अब क्या करेंगे, अब यहां पे हाफ है, ठीक है, cos 2x मतलब cos 2x के cos u लिख दिए, और एक हाफ बाहर निकल गया du वाला मतलब dx वाला, तो dx हाफ du है तो सिर्फ du बचा, हाफ बाहर निकल गया, और प्लस कितना x dx का x, तो 1 by 4 आ गया। और cos x dx ये उसी फॉर्मूला में cos x dx में cos u du, तो sin क्या हो जाएगा, sin u हो जाएगा प्लस x। अब लास्ट में sin u का वैल्यू क्या माने थे, 2x माने, तो बस रख देंगे, तो यहाँ हम लोग आंसर आ गया, ठीक है। तो यहां से हम लोग आंसर आ गया, इसी तरह सॉल्व करना है। तो कितना आ जाएगा, x प्लस अब साइन यू का 4x, तो 2x माने थे, तो 2x by 4 ऐसे भी उसका रेंज का लिख सकते हैं, सो दिस इज आवर आंसर, ठीक। तो इस तरह सॉल्व करते हैं, पीडीएफ भेज देंगे एक बार घर में देखना अच्छे से, क्लियर नहीं हो रहा है तो बना के खुद से एक बार ये सब क्वेश्चन, होमवर्क में लिख लो, होमवर्क में तुम लोग बनाना ये दोनों, एक सॉल्व करना, एक सॉल्व कर देखना साइन एक्स टू दावर साइन टू दावर 4x का देखना, ठीक, एक इसको सॉल्व करना और एक कॉट स्क्वायर एक्स का करना, इसे होमवर्क है। सर पिछले वाला क्वेश्चन में शायद x बाय 2 होगा, कहाँ पे, हाँ x बाय 2 यहाँ पे हो जाएगा, 2 तो पूरे के साथ मल्टीप्लाई था, ठीक है, वेरी गुड। हाफ तो था ही मंडी पे, यहाँ एक हाफ आएगा, ठीक है, ये एक हाफ आ जाएगा, है ना। तो एक हो जाएगा साइन टू द पावर 4x, एक हो जाएगा कॉट स्क्वायर एक्स डीएक्स, और एक सॉल्व करके देखना कॉस टू द पावर 4x का,
ये तीनों होमवर्क में है, ठीक है, ये तीनों होमवर्क है, इसको सॉल्व करना घर में। अब हम लोग नेक्स्ट मेथड देखते हैं, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इसमें एक ही क्वेश्चन बताएंगे, ये थोड़ा सा इसको इसमें भी सॉल्व करने देंगे, ये भी सीखना पड़ेगा, अच्छे से ध्यान दो, एक ही क्वेश्चन काफी बड़ा सा है तो इसको थोड़ा अच्छे से सीखो क्या आप क्या बता रहे हैं। ये मेथड टू है, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, देखो इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें सपोज एक क्वेश्चन ऐसा कुछ है, सॉल्व एक्स स्क्वायर और साथ में एक अजीब सा रूट के अंदर एक फंक्शन दे दिया एक्स प्लस बी। तो देखो हम लोग इस चीज को डायरेक्ट नहीं सॉल्व कर पाएंगे क्योंकि एक्स प्लस बी का पावर हाफ है, साथ में एक्स स्क्वायर है, तो मल्टीप्लाई भी नहीं कर पाएंगे, इंटीग्रेशन ब्रेक भी नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके का प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग को सबसे अच्छा तरीका क्या है, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन यूज करने का, मतलब हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे कुछ वैल्यू को मान के। तो कैसे करेंगे ध्यान से देखना, सपोज हम लोग इस एक्स प्लस बी को जेड पुट कर लिए, ठीक, क्या पुट किए, सपोज लेट एक्स प्लस बी इक्वल टू जेड ऐसा पुट किए, तो यहां से अपने पास एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, जेड माइनस बी बाई ए होगा, समझ में आ गया। अगर हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, या फिर इसको ऐसे लिख दो, छोड़ो डिफरेंशिएट मत करो, इसको ऐसे लिखो, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा जेड माइनस बी लिख सकते हैं। अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा ए, ठीक है, और dx बाई डी वन होता है, और z का क्या हो जाएगा dz जेड बाई डी एक्स, बी तो कॉन्स्टेंट है जीरो आ गया, तो यहां से क्या लिख सकते हैं हम लोग, dz को हम लोग लिख सकते हैं a dx, ठीक है, बोलो यहां तक क्लियर सभी को। तो dx को क्या लिख सकते हैं, वन बाई ए dz, बोलो यहां तक डाउट, मतलब यहां तक क्लियर है जो जो किए हैं अभी तक, एक बार देख लो तो यहां तक क्लियर है कि नहीं, बोलो हाँ ना कुछ, यहां तक सारा स्टेप क्लियर है, यस सर, ठीक है ना यहां तक, ठीक है। तो आगे देखो अब कैसे करेंगे, अच्छा ये बताओ, तो अब हम लोग इसको सॉल्व करना चाहते हैं, तो ये बताओ एक्स स्क्वायर की जगह क्या पुट कर सकते हैं, जल्दी बोलो, बोलो एक्स स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे, जेड माइनस बी बाय ए का होल स्क्वायर, जेड माइनस बी बाय ए का होल स्क्वायर, ठीक है, वेरी गुड, इतना रखेंगे, ठीक, इतना रख देंगे। फिर है रूट एक्स प्लस बी, तो रूट एक्स प्लस बी की जगह हम लोग जेड का पावर हाफ रख सकते हैं, मतलब रूट जेड है ना, एक्स प्लस बी को जेड मान लिए थे, और देखो डीएक्स का वैल्यू को हम लोग क्या रख सकते हैं, वन बाई ए डी जेड। तो यहाँ पे एक बात को यहाँ पे ध्यान दो कि सारा टर्म जो है वो सब जेड के रेस्पेक्ट में आ गया, एक ही फंक्शन के टर्म में आ गया। तो अब क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे हम लोग, तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे ए का स्क्वायर इनटू ए क्यूब, तो ये कांस्टेंट है ए, तो बाहर निकल गया इंटीग्रेशन के, तो वन बाई ए क्यूब बाहर आ गया, अंदर क्या रहेगा, जेड माइनस बी का स्क्वायर इंटू जेड का रूट जेड, मतलब जेड टू दावर हाफ इंटू डी जेड। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं अब, तो क्या होगा, वन बाई ए टू दावर ए क्यूब है, ठीक है, ये जेड प्लस बी का होल स्क्वायर को लिख सकते हैं, जेड स्क्वायर माइनस टू बी जेड, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर इंटू क्या है, रूट जेड इंटू डी जेड। थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा लेकिन सिंपल ही है, ऐसा कुछ नहीं कैलकुलेशन। तो यहाँ पे वन बाई ए क्यूब बाहर रह गया, ठीक है, अब ये सॉल्व कर लो, तो सॉल्व करने से देखो जेड का स्क्वायर, ठीक, क्या हो जाएगा जेड का स्क्वायर, और यहाँ पे एक रूट एक्स हम लिख दिए हैं, रूट जेड है ये, है ना,
ये रूट जेड है, तो एक्स का स्क्वायर प्लस रूट जेड कितना हो जाएगा बताओ? एक्स टू पावर हाफ, जेड टू दी पावर हाफ और जेड स्क्वायर है, तो कितना होगा सॉल्व करने से? वन प्लस कितना बोलो, कितना होगा? टू, वन बाई टू कैसे होगा? स्क्वायर फाइव बाई टू होगा ना, ऐसा होगा ना, जेड टू दी पावर स्क्वायर प्लस वन बाई टू एड हो जाएगा, तो टू टू फोर प्लस वन फाइव बाई टू है ना, जेड को मल्टीप्लाई कर रहे हैं सब टर्म के साथ, तो यहाँ पे कितना आएगा? जेड टू दी पावर फाइव बाई टू, अभी डिजिट नहीं किए ठीक, माइनस टू बी तो रहने दो, जेड का पावर वन प्लस वन बाई टू यानी कि जेड का पावर थ्री बाई टू, तो यहाँ पे हो जाएगा सॉरी वन प्लस वन बाई टू फाइव बाई टू है ना, यहाँ फाइव बाई टू आ गया, हाँ थ्री बाई टू होगा, थ्री बाई टू, वन प्लस वन बाई टू थ्री बाई टू, और यहाँ कितना हो गया बी स्क्वायर के साथ जेड टू द पावर हाफ, और साथ में कितना था ब्रैकेट में अब इंटीग्रेशन में डी जेड, अब इंटीग्रेट कर दे एक करके, अब बस इंटीग्रेट कर दो क्या होगा, इंटीग्रेट करने से जेड फाइव बाई टू डी जेड माइनस टू बाहर निकल गया, बी बाहर निकल, दोनों कॉन्स्टेंट है, जेड का पावर थ्री बाई टू डी डी जेड प्लस यहाँ पे बी स्क्वायर बाहर निकल गया, जेड का पावर हाफ डी जेड, बस सॉल्व कर लो अब ठीक है, तो सॉल्व करने से क्या हो गया डायरेक्ट लिख देते रिजल्ट, तो फाइव बाई टू प्लस वन यानी कि सेवन बाई टू यानी कि जेड का पावर सेवन बाई टू बाई सेवन बाई टू माइनस टू टाइम्स बी जेड का पावर फाइव बाई टू बाई फाइव बाई टू प्लस बी स्क्वायर जेड का पावर थ्री बाई टू बाई थ्री बाई टू प्लस सी, तो अब क्या हो जाएगा इसको सॉल्व करने से, ये सॉल्व करने से आएगा इसको बस सॉल्व ऐसे भी लिख सकते हैं, सॉल्व कर देंगे, सॉल्व कर देंगे टू सबको कॉमन लेंगे बाहर निकाल दिए, तो एक बाई टू का क्यूब और जेड का पावर थ्री बाई टू को भी कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या बच जाएगा जेड स्क्वायर बाई सेवन माइनस टू बी जेड बाई फाइव ठीक माइनस प्लस बी स्क्वायर बाई थ्री प्लस सी, ऐसा भी छोड़ सकते हैं और लास्ट में वैल्यू पुट करना पड़ेगा, तो टू बाई टू सर आप कहा बी स्क्वायर लिखे और कहा बी जेड लिखे, उसमें बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। अच्छा पढ़ने में ये सब स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ये बी जेड है, ये बी जेड है, स्क्वायर सबको अलग कलर से कर देते हैं ठीक ग्रीन से, बस यहाँ स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है और यहाँ पे स्क्वायर है ठीक, बस और कहीं पे स्क्वायर नहीं है, बाकी हर जगह बीजेड है, तो अब इसको वैल्यू पुट कर देंगे खुद से करो एक बार ऐसे देख देख के, तो जेड कितना माने थे, जेड का वैल्यू माने थे एक्स प्लस बी, तो रख दो लास्ट में जेड की जगह वैल्यू एक्स प्लस बी का पावर थ्री बाई टू ब्रैकेट में जेड कितना था एक्स प्लस बी, तो एक्स प्लस बी का स्क्वायर बाई सेवन माइनस टू टाइम्स बी, जेड का वैल्यू कितना एक्स प्लस बी बाई फाइव और प्लस बी स्क्वायर बाई थ्री प्लस सी, सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। इस तरह सॉल्व करना है, एक बार प्रैक्टिस करना घर में देख के इस क्वेश्चन को, और इसी मेथड का यूज करके सिमी दल्ली होमवर्क दे रहे हैं। समझ में नहीं आया। हाँ बोलो सर, ऊपर में कहाँ पे बोलो सर, यहाँ पर ये वाले इसी मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में फर्स्ट लाइन में सर, इसमें ax equals to z minus b और फिर सब सर जब डिफरेंशिएट किए तो फिर b कहाँ गया, b कांस्टेंट है ना, देखो जैसे यहाँ तक आइडिया है, यहाँ तक समझ में आ रहा है ना, x equals z minus b by a, यस सर, ax equal लिख सकते z minus b, लिख सकते हैं ना, यस सर, ठीक है, तो क्योंकि x इक्वल जेड माइनस बी बाई ए था, इसको डिफरेंशिएट कर दो ऐसे डी एक्स बाई डी एक्स
इक्वल टू कितना डी जेड माइनस बी बाई डी एक्स. ठीक, तो देखो ए तो बाहर निकल जाएगा, dx by dx का 1 आ गया. अब यहाँ पे dz by dx करेंगे और माइनस क्या db by dz dx, तो ये टर्म हट जाएगा ना, जीरो हो जाएगा ना, कांस्टेंट है. तो कितना होगा इक्वल टू dz by dx, बोलो समझ में आ गया? यस सर. तो इसीलिए x dx को क्या लिखे हैं, 1 by a dz, यही तो किए हैं बस. ठीक. अच्छा इसके एक होमवर्क लिख लो, डेफिनेट इंटीग्रल लास्ट नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे क्योंकि वो थोड़ा टाइम लगेगा, लिमिट वाला उसको भी सिखाना पड़ेगा. पहले सब प्रैक्टिस करके आना, उस इसके नेक्स्ट क्लास में डेफिनेट शुरू करेंगे, तुरंत खत्म हो जाएगा 20 मिनट में. और फिर हम लोग उसी दिन इक्विलिब्रियम वगैरह पढ़ लेंगे, या तुम लोग जो बोलोगे, फिर जो भी पढ़ना है बोलना, पढ़ा देंगे. अगर ये ग्रेविटेशन बोलोगे आगे पढ़ने के लिए तो ग्रेविटेशन पढ़ा देंगे, अगर बोलोगे इक्विलिब्रियम पढ़ना है कुछ अलग अलग टॉपिक तो सब पढ़ा देंगे, इसमें बस डेफिनेट बता देंगे. तो ये कुछ होमवर्क है, इसको लिख लो, इसको ट्राई करना. एक्स स्क्वायर आंसर हम अगले क्लास में बताएंगे, इसको पहले ट्राई करना. ठीक, उसी मेथड से. कौन सा मेथड? सब्स्टिट्यूशन मेथड. तो ये ट्राई करके आना, और एक तो क्वेश्चन ये भी कर लेना. हाँ, एक ये वाला करना. सर हाफ ईयरली चल रहा है. अच्छा हाँ, तो कभी कर लेना 5-10 मिनट निकाल के ऐसे ही ऑफ टाइम में. हाफ ईयरली में बहुत पढ़ना पड़ता है क्या? हाफ ईयरली में ज्यादा सिलेबस तो नहीं है, इतना ही से पढ़ाई कर रहे हो तो हो ही गया होगा. फिजिक्स का हो गया हाफ ईयरली? नहीं सर. क्या क्या आ रहा है फिजिक्स में? सर मेरे स्कूल में फर्स्ट सेकंड और थर्ड चैप्टर आ रहा है. मतलब वर्क एनर्जी तक? नहीं नहीं, मोशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन और ग्रेविटेशन. अच्छा वर्क एनर्जी नहीं बताया गया बीच में? वर्क एनर्जी तो बीच में ही था. ओ ठीक है, कोई बात नहीं. ठीक, अच्छे से पढ़ लेना, और देखते हैं अगला क्लास में इसको डेफिनेट पढ़ाने के बाद जो तुम लोग बताओगे उसे पढ़ा देंगे. ठीक है, चलो आज यहीं तक, इसको सॉल्व करना, पढ़ो एग्जाम के लिए. कुछ पूछता तो नहीं किसी को? ठीक है फिर.